ओके गाइस, ये जो वाटरफॉल है ये हम लोग का दुधिया में है। सो आप लोग अगर इधर आने चाहते हो तो वीडियो को पहले से देखना पड़ेगा। सो दुधिया में है भाई साहब, सच में दुधिया में है ये ऐसा वाटरफॉल। छोटा सा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। ओके गाइस, तो बहुत दिन का बाद आज हम लोग राइड में निकला। तो मेरा साथ है शिवू, जैसे कि देखा झरना का वीडियो, उधर ही हम लोग जा रहे हैं। तो फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है और बहुत दिन का बाद वीडियो आ रहे हैं। यहाँ पर दुधिया का जो वीडियो देखा उधर पे भी हम लोग जाएंगे। ये है दार्जिलिंग मोर। भाई साहब पहले करते हैं दार्जिलिंग मोर को टाटा बाय बाय। सुबह से कुछ खाए नहीं हम लोग, पहले एक सामने जाएंगे और पिएंगे चाय, फिर करेंगे कंटिन्यू। सुबह का नज़ारा भाई साहब बहुत ही क्लाउडी क्लाउडी है। पता नहीं आप लोग को कैमरा में दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे, लेकिन मेरे को दिखाई दे रहा है। ये वाला जो रोड चला गया सीधा, ये चला जाता है रोंग टोंग शिवखोला, जो भी बोलो जा सकते हैं। हमको जाना है लिफ्ट, तो चलते हैं लिफ्ट की तरफ। बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई साहब, सुबह सुबह राइड करने का मज़ा ही कुछ और है। सब लोग मेरे वीडियो देख रहे हो तो निकलो घर से यार सुबह सुबह राइड में, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि लॉकडाउन में जितना भी राइडर लोग हैं ना, घर में बोर हो चुके हैं। तो लोकेशन देख रहे हो भाई साहब, अल्टीमेट। आज संडे है तो ओके गाइस, तो सीन कुछ अभी ऐसा हुआ कि जितना भी मेरा आर्मी एरिया का फुटेज था वो डिलीट कर दिया आर्मी सर ने। जैसे कि अंदर में वीडियो करने का अलाउ नहीं है और कुछ बोर्ड में भी लिखा नहीं था। डाविल का वीडियो में इधर से शुरू किया था। ये है शिमुलबाड़ी। सो भाई साहब ये साइकिल लेके घूमने के लिए आ गया। सो साइकिलिंग जितना भी आ रहा है रोक रहे हैं इधर, क्यों पता नहीं। तो लोकेशन देख रहे हो, व्हाट अ फील मैन, व्हाट अ फील। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh. So, देख सकते हो दुधिया रिवर बहुत ही खूबसूरत है। ये है दुधिया ब्रिज, what a feel. So, भाई साहब तो हम लोग को ये अंदर से जाना पड़ेगा। देख सकते हो इधर से राइट से चले जाते हैं मिरिक की तरफ, तो हम लोग इधर से जाना पड़ेगा। सो ये गांव का नाम पता नहीं है, लेकिन ये टर्निंग याद रखने से हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं आगे की तरफ। भाई साहब ये तो पूरा अपलोडिंग हो गया, वाओ शिट शिट। तो भाई साहब इधर से शुरू होता है मुक्ति रिवर, देख सकते हो ये बोलता है मुक्ति रिवर। सो इधर हम रुकेंगे, इधर एक वाटरफॉल है जो कि आप लोग को दिखाएंगे। सो ओके गाइस, बहुत दिन का बाद आज हम लोग राइड पे निकले हुए हैं। दुधिया में आए हैं हम लोग। मुक्ति रिवर बोल के एक लोकेशन है, नदी है जो कि मेरा साइड में है, बहुत ही खूबसूरत है। और एक इधर एक सबसे बढ़िया बात, इधर एक छोटा सा वाटरफॉल है, बहुत ही खूबसूरत है। सो दुधिया में है। सो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBS ब्लॉग में आप लोग का सबको स्वागत। तो उससे आप लोग खुशियाँ बढ़ते रहना, क्योंकि खुशियाँ बढ़ने से प्यार मिलता है। और जितना भी मेरा वीडियो देख रहे हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो गाइस लगभग एक महीना का बाद आ रहा है वीडियो। सो चलते हैं अभी धीरे धीरे वाटरफॉल की तरफ। सो ये वाटरफॉल दुधिया में ही है। सो भाई साहब तो दिखाता हूँ व्यू। सो ये है दुधिया में जो कि देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। सो
देख सकते हो, छोटा सा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। सो वाटरफॉल को करते हैं टाटा बाय बाय। सो चलते हैं सामने, सामने क्या है पता नहीं, एक टेम्पल है वो पता है, ब्रिज है वो पता है, सामने मैं कभी गया नहीं पहाड़ का ऊपर, तो चलते हैं पहाड़ी का ऊपर। सो ये मुक्ति रिवर बहुत ही खूबसूरत है, अच्छा है, तो ये टेम्पल मंदिर जो भी बोलो अच्छा है। तो भाई साहब बहुत ही जंगल है, सो लुक एट दिस व्यू ब्रो, व्हाट अ सीन मैन, व्हाट अ सीन। सो उधर एक ट्री गार्डन का कुछ है, सो देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है, पूरा क्लाउडी है। सो ओके गाइस, हम लोग पहुंच चुका है ट्री गार्डन पे, कौन सा ट्री गार्डन है पता नहीं नाम, जो मूर्ति नदी है उधर से सीधा ऊपर आ जाओ, ये ट्री गार्डन मिल जाएगा। सो बहुत ही खूबसूरत है ट्री गार्डन, आप लोग देख सकते हो, उधर हम लोग का बाइक है, तो हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे और इधर से नीचे जाएंगे और दुधिया में जाके कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, उधर से चले जाएंगे अपर दुधिया, क्योंकि दुधिया पूरा एक्सप्लोर कराना है आज, तो काफ़ी दूर नहीं जा रहे, तो कुछ शॉर्ट्स दिखाएंगे आप लोग को, होप से कि अच्छा लगेगा। सो इन्जॉय योर फुटेज और फील द म्यूजिक। सो देखो तो अभी चलते हैं अपर दुधिया के लिए। सो हम लोग को लेफ्ट लेना पड़ेगा अपर दुधिया के लिए, सो चलते हैं अपर दुधिया। सो इधर से अपर दुधिया 1.5 किलोमीटर। सो तो देख सकते हो इधर से व्यू दुधिया का, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। दो तीन दिन से बारिश हुआ इसलिए पानी थोड़ा गंदा हो गया, और ये ऑफ रोडिंग का मज़ा। सो भाई साहब इधर एक समय था जब हम लोग इधर नहाने आते हैं, तो अभी कुछ दोस्त काम के वजह से बिजी हो गया और कुछ दोस्त को अच्छा नहीं लगता है ये सब, तो इसलिए अभी नहीं आते इधर, तो बहुत दिन का बाद आया। सो ओके गाइस, फाइनली अभी टाइम हो चुका है 11:21, तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपर दुधिया में, जो कि देखा था अपर दुधिया कहाँ से आना पड़ता है। सो बहुत सारा है अपर दुधिया, आते हो आप लोग, इस टाइम का जो रिवर का जो सीन है ना भाई साहब, नहीं बताओ घायल सीन है, घायल।
आप लोग को उसी चीज को दिखाने के लिए आया। तो गाइस आप लोग को दिखाता हूँ रिवर का व्यू, थोड़ा हम नीचे चलते हैं ना, फिर उधर से दिखाता है। बड़ा सीन मैन, बड़ा सीन, रिवर का तेजी देख रहे हो, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं। तो रिवर देखो भाई साहब, बहुत ही खतरनाक रिवर है। सो भाई साहब रिवर देखो बहुत ही खूबसूरत, तेजी से बह रहा है एकदम, उधर से इधर से आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है रिवर अभी। तो खुद सिनेमेटिक शॉट दिखाऊंगा आप लोग को। सो ओके गाइस, तो कैसा लगा वीडियो लाइक कर देना एक बार, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा आया। अगर वीडियो में कुछ गलती हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आने वाला वीडियो में सॉल्व कर देंगे। सो सिनेमेटिक शॉट कैसा आया वो बताना भाई साहब, और जो वाटरफॉल है मूर्ति का, मुक्ति नदी में, हाँ मूर्ति तो डुअर्स में है, मुक्ति नदी में बहुत ही खूबसूरत है, और टी गार्डन भी बहुत ही अच्छा था, और दूधिया भी बहुत ही अच्छा है। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ज़्यादा दूर हम लोग नहीं जा सकते हैं, बहुत दिन का बाद वीडियो आ रहा है। सो ओके गाइस, सो वीडियो को करते हैं, सो बाय बाय, टेक केयर, राइट सेफ, राइड होम, सी यू टू द नेक्स्ट ब्लॉग, एंड तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। सो शिबू बाय बाय कर दो, बाय बाय।